वेलकम बैक टू माई चैनल सोल्यूशंस फॉर यू। आज की वीडियो जॉब के रिलेटेड वीडियो रहने वाली है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट 2023। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब के लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने कैसे फिलअप करना है। इसके अलावा इस जॉब की जो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th पास और ITI किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी जो यहाँ पे सैलरी है वो क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे वो क्या रहने वाला है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे SC ST और PWD से बिलोंग करते हैं उनका यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स है उनका जो यहाँ पे फी है वो यहाँ पे 50 रुपये रहने वाला है। इस जॉब के लिए जो आपने अप्लाई है वो आपने ऑफलाइन करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस पिन कोड पे भेजने हैं वो हम आपको लाइव इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस, जॉब के रिलेटेड वीडियोस, इंटर्नशिप के रिलेटेड वीडियोस, आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक और इसके अलावा कमेंट जरूर किया करें। करते स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट है bro.gov.in, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, आपको एक ऐसी वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। वेबसाइट शो होने के बाद यहाँ पे अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 42022, आपने इस एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। स्टार्ट डेट की अगर हम बात करें, इसका जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी फ्रॉम जनवरी 2023 स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लास्ट डेट की बात करें, यहाँ पे जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पे 13 फरवरी 2023 रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पोस्ट्स और ट्रेड्स की बात करें, यहाँ पे जो पोस्ट्स है रेडियो मैकेनिक की पोस्ट्स, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे 2 पोस्ट्स निकली है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट्स है वो 154 रहने वाली है। सेम यहाँ पे अगर हम ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, टोटल 9 पोस्ट्स। व्हीकल मैकेनिक की बात करें, यहाँ पे टोटल 236 पोस्ट रहने वाली है। सेम यहाँ पे MSW ड्रिलर, मैनसन, पेंटर एंड मैस वेटर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे निकली है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे टोटल पोस्ट है वो यहाँ पे 567 पोस्ट निकली है। इसके अलावा ये जो पोस्ट है वो यहाँ पे जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की पोस्ट निकली है। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनकी जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे 534 रहने वाली है। यहाँ पे फिजिकल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे दी गई है। अगर इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी आपके पास है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट, जो लेटर ऑन हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो सर्टिफिकेट आपने अपने एप्लीकेशन के साथ जो है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने प्रिंट करके निकालना है। सबसे पहले ये जो डिटेल्स है फॉर ऑप्शनल यूज है, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपने नेम लिखना है। यहाँ पे पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट वो आपने यहाँ पे बताना है, सीरियल नंबर। रिक्रूटमेंट सेंटर जो है आपका वो आपका यहाँ पे सेंटर पुणे रहने वाला है। आपने अपना जो फोटो है 3 मंथ्स ओल्ड तक फोटो जो है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपने देना है। वेटेज और मार्क्स जो है वो आपने यहाँ पे बताना है, जैसे कि आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेटर ऑन हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम 15 अगर आपके पास है
वो आपने यहाँ पे टोटल परसेंटेज बतानी है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो आपने यस करना है, और किस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे बनाना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपने यस करना है, और लेटर ऑन आपने इस एप्लीकेशन के साथ जो है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स लिखना है, उसके बाद फादर्स नेम वो भी आपने यहाँ पे देना है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो आपने यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर जो है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका परमानेंट होम एड्रेस है विद पिन कोड आपने यहाँ पे बताना है, स्टेट क्या है आपका, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है आपका, वो भी आपने यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फी की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है आपने यहाँ पे जो फी 50 रुपी है वो ऑनलाइन आप पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे J&K बैंक SBI बैंक से पे किया, आपने यहाँ पे नेमा बैंक बताना है, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस बतानी है, ट्रांजेक्शन की जो आईडी है और डेट है वो आपने बताना है, और कितना अमाउंट 50 रुपीज वो आपने यहाँ पे करना है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो आपको यहाँ पे कोई भी फी जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं करना है। लेटर ऑन आपकी जो प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आपने करी होगी उसका फोटो स्टेट निकाल के आपने अपने एप्लीकेशन के साथ वो अटैच रखना है। उसके बाद अगर आप इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे यस नो में आपने आंसर करना है, जैसे वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है आपने यस करना है, और नो सेम यहाँ पे अगर आप NCC बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हो वो आपने बताना है, वेदर एनी ब्रदर सर्विंग इन GREF और आर्मी वो आपने बताना है, रिटायर्ड सन या कोई भी है वो आपने यहाँ पे बताना है। इसके अलावा अगर आप J&K माइग्रेंट है वो आपने यहाँ पे, आर यू ए सपोर्ट्समैन वो आपने यहाँ पे यस आर नो करना है। आप जिस भी फील्ड पे यहाँ पे यस करते हो लेटर ऑन वो जो सर्टिफिकेट है वो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच रखनी है, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट की जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे अगर आपने यहाँ पे 10th करा है वो आपने यहाँ पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो लेटर ऑन आपके साथ डिस्कस करेंगे आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th एंड 12th किया है, ईयर ऑफ पासिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी किया है, सब्जेक्ट कौन रहे है आपके वो बताना है, कितने मार्क्स रहे, आउट ऑफ मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 500 में से आपके 300 मार्क्स वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, परसेंटेज क्या रही है वो आपने यहाँ पे बताना है, और लेटर ऑन जो आपका 10th का मार्क्स कार्ड है उसका फोटो स्टेट आपने यहाँ पे अटैच रखना है। टेक्निकल एजुकेशन, जैसे कि कोई पोस्ट यहाँ पे मैकेनिक्स का है जिनका यहाँ पे ITI आपका होना चाहिए वो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आपने यहाँ पे मेंशन करना है और डॉक्यूमेंट अटैच रखना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर की जो पोस्ट्स है उसके लिए अगर आपने लाइट मोटर और हैवी मोटर व्हीकल अगर आपके पास है लाइसेंस वो आपने यहाँ पे डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद पीरियड ऑफ लाइसेंस एंड रिन्यूअल अप टू वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा लेटर ऑन आपने फोर्थ स्टेट जो है लाइसेंस का वो आपने अटैच रखना है। उसके बाद अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो ओनली फॉर BRO लेबर और CPL एक्सपीरियंस अगर आपके पास है जो लेटर ऑन नोटिफिकेशन में डिस्कस कर लेंगे, अगर वो आपके पास है वो आपने फिल करनी है, अदरवाइज आपने यहाँ पे फिल नहीं करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर जो आधार लिंक्ड आपका होगा वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होगी, वो डिक्लेरेशन जो है वो आपने रीड करनी है। उसके बाद आपने प्लेस बताना है कि आप कहाँ से फिल कर रहे हो, डेट बताना है, उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपने यहाँ पे देना है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर या इनकम्प्लीट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका होगा आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे नोटिस दे सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पिन लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, जो पिन कोड हम लेटर ऑन आपको बताएंगे इस वीडियो में, आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है या वीडियो के रिलेटेड कोई कमेंट है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हो, विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर स्लिप के बारे में बताया गया है, वो जो डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, वो लेटर ऑन आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे ST सर्टिफिकेट आपकी कैसी होनी चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लास से आप बिलोंग करते हो,
वो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके आप वो अटैच रख सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए उसका जो यहाँ पे फॉर्म है वो दिया गया है, आप भी सिग्नेचर करके अटैच रख सकते हो। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि इस पोस्ट के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे और कंडीशन है वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें, हर किसी पोस्ट में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो आपका यहाँ पे 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विस में रहे हो आपको यहाँ पे दिया गया है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपकी है, या इसके अलावा अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो आपको यहाँ पे 5 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वेटेज फॉर इशू ऑफ कार लेटर ओनली जो है वो यहाँ पे कितनी वेटेज कार लेटर के लिए दी जाएगी वो यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NCC सर्टिफिकेट सी है आपके पास, आपको यहाँ पे 10% जो है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, 50 रुपये आपको फी देना है। SC ST एंड डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं है। हाउ टू अप्लाई का जो प्रोसीजर है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो हमने आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिल करना है, फोटो पेस्ट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे ST सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी आपने ITI किया होगा, जो भी सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विस में रहे हो, आप सन ऑफ आर्मी रहे हो और ब्रदर ऑफ आर्मी, जो भी जहां पे भी आपने यस करा है वो सर्टिफिकेट्स और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अटैच रखने हैं इस एप्लीकेशन के साथ। और लेटर ऑन ये जो एप्लीकेशन है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपने वो कहाँ पे फॉरवर्ड करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा उसके रिलेटेड जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका हो जा गया। उसके बाद थर्ड यहाँ पे प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट की अगर हम बात करें वो आपका लिया जाएगा। उसके बाद एज प्लस एक्सपीरियंस वो आपकी दी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फील्ड जो है वो आपकी यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी। लास्ट में आपका यहाँ पे मेडिकल जो है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिअपॉइंटमेंट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ये उन एम्प्लॉयज के लिए है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस जॉब के लिए वो इस नोटिफिकेशन में दी गई है, अदरवाइज आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम विदिन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करा है, आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, और इसके अलावा आपका यहाँ पे रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट ITI आपका विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी जो यहाँ पे या तो मैट्रिकुलेशन एंड ITI होना चाहिए, या अगर आपने डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट किया है वो होना चाहिए, और अगर आपके पास क्लास 1 फॉर वायरलेस ऑपरेटर है ये आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। व्हीकल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दी गई है। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी यहाँ पे दी गई है। आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी नोटिफिकेशन में देख सकते हो। सिलेबस की बात करें यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जैसे अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ऑपरेशन एंड मैट्स ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट्स के बारे में, ऑपरेशन ऑफ स्विच, चार्जिंग एंड ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मॉर्स कोड, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। लेटर ऑन जो भी पोस्ट जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आपके रिटन टेस्ट में कौन सा सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेवल की बात करें, आपको जो रेडियो मैकेनिक में जो पे है वो यहाँ पे 25,500 to 81,100 रहने वाला है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें, आपका जो यहाँ पे सैलरी है वो 19,900 to 63,200 रहने वाला है। सेम आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें,
वो यहाँ पे दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कमांडेंट बीआरओ सुकून एंड सेंट्रल डिसीजन फाइनल जो है वो यहाँ पे फाइनल डिसीजन रहने वाला है। आपको जो कॉल लेटर्स है वो यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड किस स्टेट किस जोन के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाले हैं वो भी नोटिफिकेशन में दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर जीआरएफ क्या रहने वाला है वो भी यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग बॉर्डर रोड्स रिक्रूटमेंट 2023। इसके अलावा ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई इश्यू रहता है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारे पास इंस्टाग्राम पेज फेसबुक पेज भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।